नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए काम की बात है। सबको इस चीज की आवश्यकता है। आज किसी से भी पूछेंगे कि तुम अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए कौन सी बात है, तो हर व्यक्ति कहेगा कि मुझे जीवन में सक्सेस होना है, सफल होना है। तो आज कुछ ऐसी ही बात हम करने वाले हैं कि मुझे सफल होना है। सफल होना है तो मुझे क्या क्या करना होगा, मैं जीवन में कैसे सफल बन सकता हूँ। तो हमें इस दुनिया के अंदर जीने वाले कुछ लोगों की बातों को देखना होगा। तो सबसे पहले जो व्यक्ति असफल रहे हैं, वो असफल क्यों हुए, उनके कारण भी जान जाएंगे तो भी हमें सफलता का रास्ता दिख जाएगा। क्योंकि सफलता का तो एक ही रास्ता है, वो कौन सा रास्ता है, तो आओ आज हम देखते हैं सफलता का एक ही रास्ता। तो हमारे विषय का नाम ही है सफलता का एक ही रास्ता। तो सबसे पहले असफल व्यक्ति कौन होता है? अधिकतम लोग वो व्यक्ति असफल होते हैं जो तनाव में रहते हैं, ऐसा मुंह करके बैठे रहते हैं जैसे पूरी दुनिया की चिंता तो उन्हीं को, कुछ नहीं करते, बस टेंशन टेंशन और टेंशन। उससे व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। फिर दूसरी बात कौन सी है? व्यग्रता। व्यग्रता का अर्थ होता है जिनके अंदर धैर्य नहीं होता, थोड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कोई कठिनाई आई तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं बन सकता है। इसलिए व्यग्रता जिस व्यक्ति के अंदर है, मतलब मैं ये कर लूं वो कर लूं इस तरीके से सोचता रहता है, वो भी जीवन में हमेशा असफल रहने वाला है। फिर अति विश्वास। कक्षा के अंदर कुछ बालक हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हाँ मैं होशियार हूं, मैं अपनी कक्षा के अंदर सबसे आगे हूं, अच्छी बात है आगे, लेकिन हमें जब उच्च लेवल पर सोचेंगे और आगे बढ़ना होगा, जब हम कंपटीशन एग्जाम में भी जाते हैं, जब लाखों की संख्या में रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे भीड़ तो इतनी सारी है। पूप मंडूक न्याय से हमें उभरना होगा, अपनी छोटी सोच से उभरना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। जो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं वो भी हमें अधिकतम असफल होते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में कुप्रबंधन। कुप्रबंधन यानी जिसके पास में दिनचर्या किसी भी प्रकार से है ही नहीं, जब मर्जी में आया तब ये विषय पढ़ा, जब मर्जी में आया तब उठा, आज कोई मर्जी नहीं है तो मैं पढ़ता ही नहीं हूं, इस तरीके का जीवन जी रहे होते हैं। सुबह में देर से उठते हैं, रात को देर तक टीवी देखेंगे या अपनी दिनचर्या का कोई प्रबंधन ही नहीं करते, वो व्यक्ति क्या जीवन में कभी सफल हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता है कि वो व्यक्ति सफल हो सकता है। फिर उसी प्रकार प्रमाद। प्रमाद का अर्थ क्या होता है? प्रमाद का अर्थ एक शब्द होता है आलस्य और एक होता है प्रमाद। आलस का अर्थ तो ये होता है कि मैं किसी चीज को नहीं जानता हूं और फिर भी मैं आलस करते रहता हूं, मतलब मेरा समय का दुरुपयोग हो रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा है, तो वो तो होती है आलस। और एक होता है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ होता है मुझे पता चल रहा है फिर भी मैं समय को ऐसे ही बिताए जा रहा हूं, वो होता है प्रमाद। मतलब जो व्यक्ति असफल हो तो उससे आप कभी भी पूछोगे तो उसके पास में ये दुर्गुण दिखाई देंगे। क्या हमें हमारे में से हमारे जीवन के अंदर ये दुर्गुण है क्या? हमें उन चीजों को देखना है। तो हमें इनके लिए क्या करना होगा? जीवन में इन चीजों को हटा देना है। अब इनको हटाकर हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तनाव, तनाव में से त को हटा देना है। और क्या करना है? चुनाव। चुनाव का अर्थ में इलेक्शन में खड़ा नहीं होना है, चुनाव का अर्थ होता है मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे रहना है, ये मेरी जीवन पद्धति होनी चाहिए। जब व्यक्ति की ऐसी जीवन पद्धति होगी, जब वो चुनाव कर लेगा कि मुझे ऐसा करना है ऐसे बनना है, तो क्या वो कभी असफल हो सकता है क्या? असंभव है। फिर दूसरा है व्यग्रता। व्यग्रता में से व्यय को हटा देना है। हमें क्या करना है? एकाग्रता। यस आई कैन डू एंड आई डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, ऐसी एक ताकत होनी चाहिए। उसी को ही हम कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूं, ऐसा भाव कब खड़ा होगा? जब हम एकाग्रता से रहेंगे। एक व्यक्ति 10 पेड़ों को 20 दिन में काटता है और एक व्यक्ति एक दिन के अंदर 50 पेड़ों को भी काट लेता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति आता है तो वो एक उसके कुल्हाड़ी के धार नहीं होती तो ठोक ठोक के बहुत दिन में एक पेड़ काट पाता है,
और एक व्यक्ति एक ही दिन में 50 पेड़ काट लेता है। क्यों कर पाता है वो? क्योंकि कुल्हाड़ी की धार होती है। हम बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए बैठते लेकिन एकाग्रता से नहीं पढ़ते कि मुझे कैसे पढ़ना है, मेरा ध्यान पूरा पढ़ाई में होना चाहिए। जब ऐसा ध्यान उसके जीवन में रहता है, मतलब एकाग्रता भी जीवन में उतनी ही मायने रखती है। एकाग्रता होगी तो वो किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है। फिर अतिविश्वास, अतिविश्वास हमें जीवन में नहीं रखना है, आत्मविश्वास रखना है। आत्मविश्वास से व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। जीवन में पढ़ाई करेगा, तैयारी करेगा तो तकलीफें आएगी, संघर्ष आएंगे। संघर्षों से यारी है मेरी, कष्टों से क्या घबराना। जीवन में संघर्ष तो आते रहते हैं लेकिन उनका भी सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर कुप्रबंधन, कुप्रबंधन में से कु को हटा लेना है और हमें क्या क्या करना है? सुप्रबंधन, मतलब अच्छे तरीके से प्रबंधन करना। मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे से इतने बजे इस समय में मैं ये विषय पढ़ता हूँ, फिर ये विषय पढ़ता हूँ, फिर मैं टीवी में समाचार देखने जाता हूँ, फिर मैं खेल खेलने भी जाता हूँ। सब चीजें जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता टीवी नहीं देखनी, मैं ऐसा नहीं कहता मोबाइल नहीं देखना, सब करना है लेकिन एक अच्छे प्रबंधन के साथ। तो हमें पता चलेगा कि मुझे आरएएस की तैयारी करनी है, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, किसी की भी तैयारी करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सुप्रबंधन। आरएएस बनकर आरएएस की तैयारी नहीं होती, आरएएस जीकर आरएएस की तैयारी होती है। मतलब जो भी मुझे कार्य करना होगा उसका अच्छे तरीके से मेरे पास में प्रबंधन होना चाहिए। फिर प्रमाद नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन्माद होना चाहिए। उन्माद यानी पागलपन। जब हम जो भी काम करते हैं उसको उन्माद में रहकर करें। उन्माद यानी जो कार्य कर रहा है, बहुत सारे लोग आकर ऐसा कहेंगे, अरे तू तो ऐसा कर रहा है, अरे तू तो वैसा कर रहा है। जब आपके अंदर आपका आत्मविश्वास है ना, आप उस कार्य को अपनी मस्ती से करो। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि आप अपने उन्माद में रहकर करो। तो ये सब चीजें हमारे लिए, ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सुप्रबंधन होना चाहिए, उन्माद होना चाहिए, तभी व्यक्ति सफल बनेगा। अब हमारे जीवन में हमें चाहिए तो जीवन में चाहिए क्या? सफलता। तो सफलता के लिए सबसे पहला गुण होता है तत्परता। अब मैं ये सब बातें बोलते रहा हूं लेकिन कोई क्या करेगा, इस काम से सुनेगा, इस काम से निकाल देगा। लेकिन नहीं, मैं इसको अपने जीवन में लाऊंगा तो वो व्यक्ति सफल होगा। अच्छी बात है, सब जगह सुनने को मिलती है लेकिन उसको आचरण में लाना। घोड़े को, प्यासे घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है पर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार मुझे जीवन में सफल होना है तो मुझे तत्पर रहना होगा। हाँ, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और कब से शुरू करेंगे? तो बहुत सारे लोग सोचते कल से शुरू करेंगे, परीक्षा आएगी तब शुरू करेंगे। नहीं, काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में पल्ले होएगा, बहुरी करेगा कब। लेकिन हमने तो उसका भी परिभाषा बदल दी। बहुत सारे लोग असफल क्यों होते? इसीलिए तो होते, आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है जब जीना है बस। वो व्यक्ति कहां से सफल होगा? तो हमें तत्पर बनना है, तत्परता के साथ में उन गुणों को लाना है। फिर मतलब ये चीज है जो हमने इसको कट किया है उसी चीज को अंदर लाया, तत्परता। फिर जो हमने यहां से हटा दिया है उसी चीज को जोड़ना है, मतलब व्यायाम। अब कोई किसी को चीज को, कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, व्यायाम पढ़ाई का और सफलता का व्यायाम के साथ में क्या लेना देना है? अरे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं कुछ भी कर सकूंगा। यदि आपके शरीर में कुछ भी कमजोरी होगी तो सामने पांचों पकवान पड़े होंगे तो भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है? व्यायाम करना, नियमित रोज 15 मिनट 20 मिनट। आज अभी जैसे कोरोना चल रहा है ना, लेकिन कोरोना को भगाएंगे कैसे? उसके लिए मेरा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, और शरीर स्वस्थ होगा तो 4 घंटे ज्यादा व्यक्ति पढ़ाई भी कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति व्यायाम नहीं कर सकता है वो भी जीवन में असफल होता है। इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसलिए हमें नियमित व्यायाम भी करना है। फिर हमने अति को हटा दिया है तो हमें क्या करना है? अतिरिक्त प्रयास। जब सब मेहनत कर रहे हैं उतनी ही हम भी मेहनत करेंगे तो हम तो वहां के वहीं रहे,
हम आगे कैसे बढ़े, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो हमें क्या करना है, अतिरिक्त प्रयास। जब दौड़ के अंदर आप किसी भी क्षेत्र में हो, मैं कहता हूँ खेती का क्षेत्र हो, मैं कहता हूँ कंप्यूटर का क्षेत्र हो, मैं कहता हूँ इंटरनेट का क्षेत्र हो, किसी भी का कोई सा भी क्षेत्र हो, लेकिन जो व्यक्ति उस विषय का मास्टरपीस बनेगा ना, तो उसकी वैल्यू होती है। हम मैं कोई भी काम करता हूँ, उस काम को यदि मैं प्रामाणिकता के साथ में करता हूँ, अधिक प्रयास करके करता हूँ, तो उसके अंदर मैं जरूर आगे बढ़ सकता हूँ। और सब मेहनत कर रहे हैं, क्लास में सब पढ़ रहे हैं, मैं भी पास तो हो जाऊंगा, फिर इतनी भीड़ में आपकी कोई वैल्यू होने वाली नहीं है। हमें क्या करना होगा, अतिरिक्त प्रयास करना होगा। फिर कुशलता, यहां से कुप्रबंधन में से हमें क्या तैयार करना है, कुशलता। मुझे जीवन के अंदर कुशल बनना है, मेरा जीवन मुझे समझ में आना चाहिए, मेरे में कितनी क्षमता है इसकी पहचान मुझ में होनी चाहिए, तब मैं कुशल बन सकता हूँ, मैं हर चीज हर कार्य बड़े प्रमाणिकता के साथ में कर सकता हूँ। फिर प्र को हटा देना और क्या करना है, प्रयास प्रयास और प्रयास। जितनी मेहनत करते जाएंगे, जितना प्रयास करते जाएंगे, कोई ऐसा सोचे ही नहीं कि मैं कर नहीं सकता, मेरे से हो नहीं सकता, मैं बन नहीं सकता। भगवान ने सभी में सब ताकत दी हुई है, सिर्फ वो मन से हार जाता है। एक किसान, एक मजदूर घंटों तक धूप में खड़ा रह सकता है, क्यों खड़ा रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर उसने मन से स्वीकार किया हुआ है कि मैं खड़ा रह सकता हूं। हर व्यक्ति वो कार्य कर सकता है। उसी प्रकार जब हम तय करते हैं अपने जीवन के अंदर कि मुझे आगे बढ़ना है, मैं प्रयत्न करके बता सकता हूं। लेकिन आज के युवाओं से पूछो कि युवा कौन, तो सामान्य रूप से उसकी एक ही परिभाषा है, कहीं चौराहे पर हवा उड़ा रहा होगा, कहीं कॉर्नर में पिचकारियां मारता होगा, तो हमें लगता है वो युवा। नहीं, युवा स्यात् साधु, युवा जैक अशिष्ट दृढ़िष्ट बलिष्ठ तथैव सर्वा पृथ्वी वित्तस्य पूर्ण स्यात्। मतलब युवा उसे कहते हैं जो वो जो तय करता है वो बन के दिखाता है, जहां लात मारता है वहां से पानी निकालने की ताकत रखता है, उसे कहते हैं युवा। तो मित्रों, सफलता के यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आओ हम सफल बने। धन्यवाद।